हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी। राजेंद्र राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस तरीके से विपक्ष ने आज सदन में जो कार्यवाही आज हो नहीं पाई और बाहर में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस विधेयक बिल का भी जो है उन्होंने विरोध किया है, और जिस तरीके से वहां पर लाठी चार्ज की गई है, विपक्ष के विधायकों को मारा गया है, आप किस नजर से देखते हैं इसे राजेंद्र राम जी? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और सरकार यह निरंकुश हो चुकी है। जो भी विधेयक आता है वह जनता के ही बात होती है, जनता के विकास की बात होती है, जनता की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन यह विधेयक सीधे गमनात्मक कार्रवाई के तहत यह विधेयक लाने का प्रयास हुआ, जिसका फर्ज बनता है कि हम विपक्ष के नाते उसका विरोध करें। इसलिए हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं या फिर नेता है, इस चीज का विरोध करने का काम किए, लेकिन यह लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं देखा गया था। यह सर्वनाक स्थिति बनी है, जिस तरह से सरकार यह दमनात्मक रवैया अपना करके और सदन के अंदर जिस तरह हमारे विधायकों को पिटाई की गई, जिस तरह से प्रताड़ित की गई और घिसैट करके मारा गया, उतना ही नहीं पत्रकारों को भी घिसैट करके मारा गया। निश्चित तौर पर यह सरकार निरंकुश और दमनात्मक जो कार्रवाई कर रही है यह सर्वनाक है और भारी निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और यह सरकार हिटलर शाही की सरकार चला रही है, जो कदापि लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश नहीं है। जी, अगर मैं आपको बताऊं राजेंद्र राम जी, आप भी विधायक रह चुके हैं, आप एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से आपको हम बताएं, हमारे सामने खबर भी आई थी कि जो सुधाकर सिंह है, आरजेडी के ही एमएलए हैं, उनको भी लात मारी गई है पुलिस की तरफ से। प्रशासन को वहां पे बुलाया गया था कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन वहां पर जिस तरीके से हुड़दंग मचा है, सदन की गरिमा भंगित हुई है और आरजेडी के विधायक को लात मारा गया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? के द्वारा लात मारी गई स्पष्ट रूप से आप टीवी चैनल के माध्यम से हम अभी डिबेट के देख रहे थे। यह घोर निंदनीय है और निश्चित तौर पर वैसे ये सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो रवैया कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जनता माफ नहीं करेगी। और ये संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है, लोकतंत्र की हत्या है और निश्चित तौर पर ये सरकार को जवाब देनी चाहिए पटल पर आकर के। और जिस तरह से पुलिस को स्वतंत्र रूप से करके और आज माननीय पर भी लात मरवाया जा रहा है सदन के अंदर, यह दुर्भाग्य। राजेंद्र राम जी, जी राजेंद्र राम जी, सदन हमेशा से कहा गया है कि सदन में जो है शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के विधायक ने विजय सिन्हा जो कि विधानसभा के स्पीकर है, उनको बंधक बनाने की कोशिश की, ये कहां तक सही हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि किसी भी सदन के आप स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, कहां तक सही लगता है आपको? आपकी नजर में ये कहां तक उचित है? सदन के अंदर जब बेल में जाकर के हम अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, इसके पहले भी परंपरा आपने देखा होगा, वह बीजेपी के लोग जिस तरीके से सदन में उनकी आचरण हुआ करती थी या फिर सिंबर के पास आचरण हुआ करती थी, आज तो सदन के बाहर न्याय लेने के लिए जिस तरह से विधायकों के साथ पुलिसों के द्वारा करवाई गई, वह न्याय लेने के लिए अगर शांतिपूर्वक अध्यक्ष के चेंबर के सामने अगर हम बैठ गए, हमारे विधायक बैठ गए, तो कौन सा अत्याचार कर नहीं, बैठ नहीं गए, यहाँ पर बंधक बनाने की बात सामने आ रही है ना कि विधानसभा स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश की। आप बैठ गए, आपने विरोध किया, प्रदर्शन किया, वो ठीक है, आपने जो है बिल का विरोध किया, लेकिन जिस तरीके से जो सदन के जो स्पीकर हैं, आप विपक्ष के जो विधायक हैं, उनको ही बंधक बनाने लगे, तब जाकर पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, डीएम एसएसपी वहां पहुंचे, ये कहां तक सही है राजेंद्र राम जी? आप खुद एमएलए रह चुके हैं, निकलवा करके देख लीजिए, बंधक बनवाने की बात है ही नहीं, वह शांतिपूर्वक वहां चेंबर के सामने बैठ करके और अध्यक्ष से न्याय मांग रहे थे विधायक, सदन का विधायक के विरोध के साथ साथ जो वहां पर पुलिसों के द्वारा अनाचार अत्याचार किया गया, जो पिटाई की गई, तो उसके खिलाफ शांतिपूर्वक अगर चेंबर के सामने बैठ जाना, यह बंधक बनाना तो नहीं हुआ। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका राजेंद्र राम जी।